हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ भिंडी की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। बिल्कुल डिफरेंट तरह से आज हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी करारी बनती है इस तरह की ये सब्ज़ी। आप इस सब्ज़ी को पूरी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ले ली है। ये बिल्कुल कच्ची भिंडी है और साइज़ में भी बहुत छोटी है। तो इसी तरह की भिंडी आपको भी चाहिए, बिल्कुल कच्ची भिंडी लेनी है, जिससे सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो इसे मैंने अच्छे से 2-3 बार धो लिया है और इस तरह छोटे छोटे पीस में अब इन्हें हम कट कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सभी भिंडी को मैंने छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है और अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमें लेना है एक फ्राई पैन और उसमें मैंने डाला है 1/4 कप बेसन। तो यहाँ पे हमें बेसन को अच्छे से भून लेना है। तो इस रेसिपी में हम बेसन का यूज़ करने वाले हैं, तो बेसन को हमें बिना भूने इसमें ऐड नहीं करना है। इसे बहुत अच्छे से भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक कि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे तब तक आपको इसे भूनना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और सारे बेसन को हम एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जब इस तरह हम भून के बेसन का यूज़ करेंगे सब्ज़ी में, तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। अब साथ में ही हम इसमें कुछ हल्के फुल्के मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच भर के हल्दी, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ में ही डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे हमने नमक ऐड किया है और थोड़ा सा गरम मसाला। बस इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पतला सा बैटर बना लेंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसके बैटर में लम्प्स नहीं होने चाहिए, बहुत ही स्मूथ और एकदम पतला सा आपको बैटर बना लेना है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे मैं पानी डाल रही हूँ धीरे धीरे, ऐसे ही आपको इसमें पानी ऐड करना है। तो लगभग यहाँ पे मैंने आधा ग्लास पानी का यूज़ कर लिया है और देखिए बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार है। तो चलिए अब चलते हैं दोबारा से गैस की तरफ। मैंने दोबारा से वही पैन ले लिया है और उसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो देखिए यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, तो सबसे पहले डाल देंगे थोड़ी सी हींग, साथ में ही डालेंगे थोड़ा सा जीरा। दोनों को अच्छे से चटकने देंगे और 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। तो देखिए सभी भिंडी को इस तरह डाल दीजिए और अब हमें इन्हें अच्छे से भूनना है। तो 1-2 मिनट के लिए अच्छे से आप हाई फ्लेम पे इन्हें भून लें। और जब 1-2 मिनट इसे भूनते हुए आपको हो जाए, तब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज। तो ये बड़े साइज का प्याज था, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसमें ही अब डाल देंगे। तो हमें प्याज यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐड नहीं करना है, अभी हमें इस समय भिंडी के साथ डालना है और दोनों को अच्छे से भूनना है। साथ में ही डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई बारीक हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो आप यहाँ पे अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप यहाँ पे लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक आपको यहाँ पर ध्यान में रख के डालना है, क्योंकि हमने जो बेसन का बैटर बनाया है नमक उसमें भी है। सभी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब इसमें थोड़े थोड़े हम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। तो यहाँ पे हम नमक के साथ साथ मसाले भी बहुत कम ऐड करेंगे, क्योंकि बेसन में ऑलरेडी सभी मसाले पहले से ऐड हैं। तो मसाले डाल के सभी को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ढक्कन लगा के 2 से 4 मिनट के लिए आप पका लें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 से 4 मिनट हो गए हैं और सब्ज़ी अब पहले से सॉफ्ट हो गई है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे बेसन का बैटर जो हमने बना के रखा था। तो इस तरह डालने से पहले आप एक बार अच्छे से उसे मिक्स कर लें और धीरे धीरे सभी को डाल दें, और डालने के बाद आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। 1-2 मिनट अच्छे से चलाने के बाद आप दोबारा से इस पे ढक्कन लगा दीजिए और ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 से 3 मिनट भी हो गए हैं और अब इसमें हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। तो चाहें तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, पर अगर आप नींबू का रस ऐड करें तो वो सबसे लास्ट में ऐड करें।
तो देखिए यहाँ पे आमचूर पाउडर डालने के बाद दोबारा से हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और फिर एक बार ढक्का लगा के इसे पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है, साथ में ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है क्योंकि हमने इसमें ऊपर से बेसन ऐड किया था। तो आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला और ऐड कर सकते हैं, पर मैंने स्टार्टिंग में ही बेसन में ऐड कर दिया था तो अब मैं नहीं डालूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ सब्ज़ी तो बनके हमारी तैयार है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल सकते हैं। तो चलिए अब झटपट से इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है बहुत ही टेस्टी सी, एकदम क्रिस्पी सी गर्मा गर्म हमारी भिंडी की सब्ज़ी, जिसे आप पूरी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आप इस रेसिपी को बच्चों को भी टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये बेसन भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।